हार्पी ईगल, हार्पी ईगल जिसे कभी कभी न्यू गिनी हार्पी ईगल या फिर पापुआन हार्पी ईगल के रूप में भी जाना जाता है, यह अपनी पूरी रेंज में पाया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रैप्टर में से एक है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा मौजूद प्रजातियों में से एक माना जाता है। ये जो पक्षी है वो दुनिया के जो टॉप 5 या टॉप 10 जो सबसे खतरनाक पक्षियों में से गिना जाता है और इसे किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। रेंज की बात करें तो मेक्सिको, मध्य और दक्षिण अमेरिका के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। इस पक्षी की जनसंख्या की बात करें तो ये कम से कम अभी 50,000 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पक्षी है इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 33 से 41 इंच के बीच में आपको देखने को मिलेगा और इस पक्षी के अगर वजन की बात करते हैं तो ये 8.5 से मतलब 9 किलो के बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं। जो ज़्यादातर छोटे होते हैं उनकी जो वजन होता है वो 3.5 किलो बीच के और 9.5 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। ये जो पक्षी विशेष रूप से अपने पंखों की वजह से जाने जाते हैं, इसके जो पंख होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। इनके जो पंखों की जो लंबाई आपको बता दें तो 6.5 मतलब 2 मीटर के बीच में आपको देखने 2 फीट के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर इनके आहार की बात की जाए तो ये पेड़ पर रहने वाले स्तनधारी जैसे बंदर, गिलहरी या फिर सांप, ऐसे कई जो छोटे जीव होते हैं उनका खाना पसंद करते हैं, उनका जो शिकार करते हैं। और ये जो ज़्यादातर विशेष रूप से बड़े पंजों के साथ में विशाल काला और ग्रे रैप्टर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 पे आता है उसका नाम है वाज, जो कि गरुड़ की वजह से भी छोटा दिखाई देता है और इसकी अनेकों प्रजातियां पूरी दुनिया भर में आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर इसकी बात करें तो ये जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि जानवरों में चीता की रफ्तार के आगे कोई नहीं टिक सकता, उसी तरह से पक्षियों में बाज की रफ्तार के आगे कोई नहीं टिक सकता। कहा जाता है कि जब बाज अपनी रफ्तार में अगर हो और अगर किसी शिकारी पे किसी शिकार पे अगर इसे अपना घात लगाने वाला हो तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। अगर इसकी वेट की बात करें तो 1 से 2 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है और इसकी लंबाई की बात करें तो 45 से 65 सेंटीमीटर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। और इसके पंखों की बात करें तो 1 से 1.5 मीटर के बीच में इसके पंख जो है वो फैल सकते हैं। और ये जो कहा जाता है कि इसको UAE में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा पालते हैं। और अगर इसकी बात करें तो इसका जो ज़्यादातर लोगों ने कई लोगों ने ऐसा कहा है कि इसका जो आँखों का वो वेट होता है उसके दिमाग से भी ज़्यादा होता है और इसकी जो देखने की जो क्षमता होती है, जो अपना अगर इसकी जो दृष्टि होती है वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकारी को देख सकता है। तो इसकी जो बहुत सारी खासियतें हैं जो आपको बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है। तो ऊपर 2 पे आता है उसका नाम कहता है ऑस्ट्रिच, जो कि शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो मध्य पूर्व और इस टाइम पर अगर देखा जाए तो अफ्रीका के निवासी जो एक बड़ा उड़ान रहित पक्षियों में से जाना जाता है। यह स्टूथियोनिडी कुल की एकमात्र जीवित प्रजाति है जो कि ज़्यादातर समूह में रहना पसंद करती है। अगर इसकी बात की जाए वेट की तो 60 किलो से 140 किलो के बीच का इसकी जो वेट है, इसका वजन है वो माना जाता है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम बताएं तो स्टूथियो के नाम से ये जाना जाता है। और इसके वेट, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2.1 से लेकर 2.8 मीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। और ये जो ऐसा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता और इसकी अगर गति की बात करें तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। और इसके जो पंख हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, 2 मीटर तक इसके पंखों की जो लंबाई लेंथ होती है वो देखी जाती है। और ये जो पक्षी ज़्यादातर मनुष्यों के साथ में रहना पसंद करता है, अगर इसको कोई उंगली करे तो ये किसी को भी नहीं छोड़ता, वैसे ही ज़्यादातर शांत स्वभाव के पाए जाते हैं। और एक बात और, ये जो पक्षी होते हैं जिनमें से सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो इसी पक्षी का माना जाता है। इसका अंडा का वेट करते हैं 2-3 किलो के बीच का।